नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहती हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये बात आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक ये शेर क्यों आपको बताया, ये इतनी अच्छी कविता क्यों सुनाई आपको। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्मृति ईरानी। जी हाँ, अभी अभी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें साफ पता लग रहा है कि राहुल गांधी इलेक्शन अमेठी का हार रहे हैं। अगर बाय चांस वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो शायद जो उनका विनिंग मार्जिन होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा और ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी हार होगी। शायद कांग्रेस पार्टी का सत्ता में वापस ना आना उससे भी बड़ी हार राहुल गांधी का अमेठी सीट को गवा देना, और स्मृति ईरानी के लिए इससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक पे, क्यों मैंने आपको ये कविता सुनाई। फ्लैशबैक में अगर आप जाएंगे तो 2014 में स्मृति ईरानी ने पहली बार राहुल गांधी को ललकारा था अमेठी पे। वो चाहती तो शायद कहीं और से भी इलेक्शन लड़ सकती थी क्योंकि पार्टी हाई कमान के सामने उनकी एक बहुत अच्छी इमेज थी और स्मृति ईरानी सास बहू सीरियल्स का एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित फेस रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने क्या सोचा कि मैं जो है आसान सीट ना लेके सबसे टफ सीट, सबसे ज़्यादा मुश्किल सीट, जो कि अमेठी है, जो कि गांधी नेहरू परिवार का सबसे बड़ा गढ़ है, उसको चुना। 2014 में कुमार विश्वास भी आ गए थे अमेठी सीट में लड़ने के लिए, खैर उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने उस समय भी एक कड़ी टक्कर दी थी राहुल गांधी को और उसके बाद 3 लाख, जी हाँ 3 लाख के करीब वोट लेके आई थी स्मृति ईरानी। और उसके बाद अगर वो चाहती तो वहाँ से निकल भी सकती थी और 2019 आते आते कहीं और से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन वो 14 के बाद भी थमी नहीं और लगातार अमेठी की जनता से मिलती रही। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोगों की मुश्किलें सुनी, समझी और लोग उनसे रिलेट करने लगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब वो वहाँ के लिए एक अनजान चेहरा नहीं रह गई थी 2019 आते आते, क्योंकि ग्राउंड वर्क स्मृति ईरानी ने अपना पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। 2019 की तैयारी वो 2014 की हार के बाद से ही शुरू कर दी थी। इसे कहते हैं करेक्ट होमवर्क, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। और अगर स्मृति ईरानी, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो इस देश की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी महिला नेत्रियों में उनका नाम गिना जाएगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की और भी महिला नेत्री देखेंगी, नेत्रियां देखेंगी, सुषमा स्वराज के लेवल की ऐसी कोई भी नेत्री नहीं है। और सुषमा स्वराज ने भी जब बेल्लोर में इलेक्शन हुआ था और उन्होंने सोनिया गांधी को ललकारा था, जबकि उस समय उनके विदेशी होने का उन्होंने बहुत ज़्यादा डंका बजाया था, उसके बाद भी वो सोनिया गांधी को हरा नहीं पाई थी, जबकि बहुत कांटे की टक्कर थी, ऐसा लग रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन सोनिया गांधी तब भी जीत गई थी। तो अगर राहुल गांधी, जो कि 15 साल वहाँ पे एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और 40 साल से, जी हाँ 40 साल से वो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है, वहाँ पे नेहरू गांधी परिवार की एक लंबी विरासत चली आ रही है, पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, एक पूरी की पूरी एक खानदानियत चली आ रही है। और उसके बाद अगर राहुल गांधी, जो कि खुद स्वयं 15 साल से सांसद रहे, वो अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात ना ही कांग्रेस के लिए होगी, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा
और शायद उसके बाद उन्हें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि ज़मीनी तौर पे वो कहाँ गलत साबित हो रहे हैं, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अमेठी का चुनाव मार्जिनल वोटों से जीत सकते हैं, वरना उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जी हाँ, प्रियंका वाड्रा वहाँ पे चुनाव में जैसे एक सेलिब्रिटी आता है चुनावों में प्रचार करने के लिए, उसी तरीके से लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करके अगर उन्होंने थोड़ा बहुत कन्विंस कर लिया हो और वोटों का रुख थोड़ा बहुत बदल गया हो, तो शायद राहुल गांधी के चांसेस हैं बदलने के या जीतने के। स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने, ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही है, ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। हम लोग का हो रहा है, अमेठी की जनता ने कभी से कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। लेकिन अभी तक के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि वो सीट निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा की भी इस समय जब वो चुनाव के प्रचार में गई थी तो वहाँ पे भी लोगों ने उनसे ये पूछा कि दीदी आप तो सिर्फ चुनाव में आती हैं, उसके बाद तो आप गायब हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है। और अब ये वो जनता नहीं है जो कि 80 के दशक की जनता होती थी जिनको आप फुसला सकते थे, अब ये जनता 2019 की जनता है, ये जनता है डिजिटल प्लेटफॉर्म की जनता है, ये जनता है फेसबुक और ट्विटर की जनता है, और ये जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है और सब कुछ पढ़ती है। हाथ हिलाने से किसी के खपरे का मकान सीमेंट की इमारत नहीं बन सकती है, आपको ज़मीनी काम करना पड़ेगा। आज भी आप वहाँ पे अस्पताल की हालत देख लीजिए, आज भी अमेठी में बिजली, जी हाँ, बिजली नहीं पहुँची है। राहुल गांधी बोलते हैं हमें 5 साल से कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन 10 साल में UPA 1 UPA 2 में तो उन्हीं की सरकार थी, तब उन्होंने अमेठी के विकास के लिए क्या काम किया, ये बहुत बड़ा सवालिय निशान है। और राहुल गांधी शायद इसी कमज़ोरी की वजह से अमेठी का चुनाव हार जाएंगे और स्मृति ईरानी जीत जाएंगी, और ये स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी जीत होगी, एक शेरनी की तरह दहाड़ेंगी और उसके बाद ये देश की सबसे बड़ी नेत्री बन जाएंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एक से एक अच्छी खबरें हैं उसके अंदर, और देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़।